डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाहिगुरु जो एक्चुअली में इतना बड़ा वाहिगुरु गलती नहीं वाहिगुरु गुनाह किया उन्होंने। गलत ना करो किसी भगवान को कार्टून क्यों बनाने का। महाराज के लिए वाहिगुरु इधर सब अपने आप को समर्पित कर देंगे। ये खड़े महाराज के लिए खड़े, ये कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए नहीं खड़े। भाई वाहिगुरु एक्शन क्यों नहीं आ रहा है? कोई LCPC का स्टाफ यहाँ पर क्यों? ये सारे सिंह आ रहे क्यों? ये सीनियर पर्सनैलिटी यहाँ पर आ रहा है क्यों? कोई कमिटी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि महाराज ही नहीं है, तसम महाराज ही नहीं है। तीनों तख्त साहब में तसम महाराज नहीं है। यही हजूर साहब नांदेड़ में होता ना, अभी तक FIR हो भी गया होता। क्योंकि वाहिगुरु मेरे पे तो बिना इन्वेस्टिगेशन से पर्चा हो जाते हैं वाहिगुरु, दो दो 295A लग जाता है, 153A लग जाता है और वाहिगुरु 506। किसके बारे में बोला मैंने? बलजिंदर सिंह पास्टर, उसके बारे में बोलूं तो पंजाब पुलिस मेरे पे FIR दो दो कर देता है। मेरे को समझ में ये नहीं आता कि ये श्री अमृतसर साहिब है कि वाहिगुरु हैदराबाद है। हैदराबाद में होता तो वह अस्सलाम वालेकुम बोल के वाहिगुरु शायद FIR भी कर दिए होते, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों लेट रिस्पॉन्स? तीन तीन तक साहब है वाहिगुरु पंजाब में, तीन तीन पांच सिंहों के आगे आके पैर पड़ के वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के मत्था टेक के माफी मांग, चला जा, माफ कर दिया। लेकिन आइंदा कभी कोई भी 10 गुरु के वाहिगुरु अगर पर्सनैलिटी से मस्ती किया ना वाहिगुरु, तो ये मैं तो ये वाहिगुरु ये फॉर्मेलिटी है, एक तरीका दूसरा भी है, महाराज ने लड़ना भी सिखाया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा वालों 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शख्सियत का फिल्माकन करन अते सिख इतिहास नूं गलत रूप विच पेश करन दे मामले च कार्रवाई करदिया वख-वख सिख जथेबंदियां ते मुंबई दे रहण वाले विकी थॉमस वालों अमृतसर विखे पुलिस कमिश्नर नूं मंग पत्र दिता गया। इस दे नाल ही सख्त कार्रवाई करन दी अपील भी की गई है ते नाल पत्रकारां नाल उन्हां वालों गलबात की गई ते इस दौरान उन्हां वालों की कहा गया वह तुसीं आप सुनो। ये जो फतेह है वाहिगुरु ये महाराज ने दिया है सिंहों को वाहिगुरु, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाहिगुरु जो एक्चुअली में इतना बड़ा वाहिगुरु गलती नहीं वाहिगुरु गुनाह किया उन्होंने। उन्होंने एक ऐसे पर्सनैलिटी को वाहिगुरु कार्टून डिफाइन किया है कि वाहिगुरु उन्होंने वर्ल्ड में एक इच फादर वाहिगुरु, जिन्होंने अपने पिता को वाहिगुरु दूजे वाहिगुरु वो भी हिंदू कश्मीरी पंडितों के लिए वाहिगुरु अपना शीश दिया, दस्तारनी शीश ही दे दिया। इतिहास इतना बड़ा महाराज का कि चार अपने नूर को जंग के मैदान में खोए। आज्ञा भाई अकाल की तबे चलायो पंत, सब सिकंडों को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ। ये कोई कार्टून नहीं, ये सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सरबंसदानी दशमेश पिता ने वाहिगुरु कहा है। आज ये जितने भी वाहिगुरु नियर बाय तख्त साहब है वाहिगुरु, कोई वाहिगुरु एक्शन क्यों नहीं आ रहा है? कोई SGPC का स्टाफ यहाँ पर क्यों? ये सारे सिंह आ रहे क्यों? ये सीनियर पर्सनैलिटी यहाँ पर आ रहा है क्यों? कोई कमिटी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि महाराज ही नहीं है, दसम महाराज ही नहीं है। तीनों तख्त साहब में दसम महाराज नहीं है। यही हजूर साहब नांदेड़ में होता ना, अभी तक FIR हो भी गया होता। लेकिन वाहिगुरु यहाँ के कमिश्नर चढ़दी कला है, डिसिप्लिन है बात करने में। वाहिगुरु बहुत अच्छे वाहिगुरु रिस्पॉन्स दिया है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक दो दिन में पर्चा भी होगा, ये बोला है वाहिगुरु। क्योंकि वाहिगुरु मेरे पे तो बिना इन्वेस्टिगेशन से पर्चा हो जाते हैं वाहिगुरु, दो दो 295A लग जाता है, 153A लग जाता है और वाहिगुरु 506। किसके बारे में बोला मैंने? बलजिंदर सिंह पास्टर, उसके बारे में बोलूं तो पंजाब पुलिस मेरे पे FIR दो दो कर देता है। लेकिन गुरगांव बैंक सिंह जी महाराज जी के ऊपर आज तक अभी तक कोई FIR कुछ नहीं हुआ वाहिगुरु। क्यों? मेरे को समझ में ये नहीं आता कि ये श्री अमृतसर साहिब है कि वाहिगुरु हैदराबाद है। हैदराबाद में होता तो वह अस्सलाम वालेकुम बोल के वाहिगुरु शायद FIR भी कर दिए होते, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों लेट रिस्पॉन्स? तीन तीन तक साहब है वाहिगुरु पंजाब में, तीन तीन क्यों नहीं पावर में? क्यों? इसके लिए वाहिगुरु धर्म परिवर्तन हो रहा है? तुम लोगों के नाक के नीचे ही वाहिगुरु पांच पांच लोगों का क्रूसेड हो रहा है, तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? मर गया जमीर, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। ये संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा बिंडरा वाले जी ने कहा ना, जो याद सत्य हो रहे हैं वाहिगुरु, या जितने भी आए ना वाहिगुरु 1.25 लाख से कम नहीं, सारे वाहिगुरु मेरे बाप के लिए नहीं, थॉमस एंथनी के लिए नहीं है इधर, ये पूरे वर्ल्ड के बाप है जिन्होंने 14 जंगे भी लड़े हैं। उसके लिए वाहिगुरु ये शीश भी अलग करना पड़े ना, मैं खुद का तो क्या, ये सारे वाहिगुरु लड़ेंगे वाहिगुरु, लेकिन गिव अप नहीं देंगे। 295A 153A ये लीगल टीम, हम लॉ की दिल से रिस्पेक्ट करते वाहिगुरु। हमने उसके ऑफिस में जाके तोड़फोड़ नहीं किया ना, हम करेंगे वाहिगुरु। उसने गलती किया है,
गलती नहीं गुनाह किया है। अकाल तख्त साहब में आके माफी मांग, पांच सिंहों के आगे आके पैर पड़ के वाहेगुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी के दर मत्था टेक के माफी मांग, चला जा, माफ कर दिया। लेकिन आइंदा कभी कोई भी दस गुरु के वाहेगुरु अगर पर्सनैलिटी से मस्ती किया ना वाहेगुरु, तो ये मैं तो ये वाहेगुरु ये फॉर्मेलिटी है, एक तरीका दूसरा भी है। महाराज ने लड़ना भी सिखाया, हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। महाराज ने एक जफरनामा तैयार किया, कोई कार्टून ने नहीं, वो नीच औरंगजेब को कबर में टांग फैला के लेटा, कुत्ता भी नहीं पूछता, घी मांगते भीख मांगते औरंगाबाद में, और जस्ट ज्यादा दूर नहीं तख्त श्री हजूर साहब अबचल नगर नांदेड़, 24 घंटा लंगर गागर का सेवा, सिंह आ जाएंगे वाहेगुरु। वहां से ही एक राज निकला था, बंदा सिंह बहादुर, तंत्र मंत्र करता था वाहेगुरु, भाई विनोद जी के साथ निशान साहब लेके सरन के उस मिट्टी पर निशान साहब चूला, तो वो वाहेगुरु इतिहास कुछ रिपीट होता मेरे को फील हो रहा है वाहेगुरु। गलत ना करो, किसी भगवान को कार्टून क्यों बनाने का, महाराज के लिए वाहेगुरु इधर सब अपने आप को समर्पित कर देंगे, ये खड़े महाराज के लिए खड़े, ये कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए नहीं खड़े। बुरा लगा मेरे को वाहेगुरु, वो क्या नाम है ऑफिसर का वाहेगुरु, पंडाल बोलते वाहेगुरु तो मुंबई जाके FIR कर, मेरा अगर पर्स चोरी होएगा तो मैं यहाँ पे कंप्लेन दूंगा कि मुंबई में जाके कंप्लेन दूंगा। समझ में नहीं आता वाहेगुरु, थोड़ा सोचो ना वाहेगुरु, अक्कल दिया है महाराज ने दिया है, सिंह है वाहेगुरु, महाराज का सेवा है, कुछ करो। ये मीडिया है वाहेगुरु साहब है, ये जाओ विवेक बिंद्रा के पास भी तैयारी है वाहेगुरु, क्यों किया ये गुना, किसको पूछ के वाहेगुरु। क्योंकि जब भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का कोई क्लिप बनता है ना वाहेगुरु, जैसे चार साहबजादे और बाबा बंदा सिंह बहादुर, एक परमिशन लगता है, एक सेंसर बोर्ड पास करता है, और महाराज जैसे स्टिल रहते वाहेगुरु, मुंह भी आड़ा टेढ़ा नहीं, इन्होंने कार्टून बनाया क्यों, ये हर्ट नहीं किया वाहेगुरु, ये गुनाह किया वाहेगुरु। इसके लिए मेरा बेनती है वाहेगुरु, ये मोर्चा और एक चीज, जब तक 295 का पर्चा नहीं फटता ना, FIR नहीं फटता ना, मैं अमृतसर साहिब छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, बैठा रहूंगा इधर ही, जाऊंगा नहीं जब तक हक नहीं मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हक सब संविधान सबके लिए इक्वालिटी में लिखा है। विक्की थॉमस पे दो दो फट सकता है ना अगर पास्टर के बारे में बोलने पे, तो वाहेगुरु उस पे तो मैं पूरे दुनिया से फटवाऊंगा, क्योंकि बजिंदर सिंह का लिमिट एक पंजाब में ही है, महाराज दसम महाराज का पूरा दुनिया में निशान साहब चूलता है, ऐसे ही नहीं है सारे सिंह इधर। भाषण तो दिता गया वाहेगुरु के FIR होएगी, पर्चा होएगा, इन्वेस्टिगेशन होएगी, लेकिन सवाल यह है, मैं उत्थे अंदर भी गल की है कि ये की कारण है कि जिन्हें गुरु साहबान ने गुरु नानक पातशाह तो लैके दसे गुरु साहबान जिन्हों ने जुल्म के खिलाफ उस टाइम तो मुरद्यां दे विच जान पाई, तो अज इस भारत दे विच ते फिर पंजाब दे विच गुरु साहबां नू जिहड़ा इस तरह मतलब कि उन्हां नू दर्शाया जावे, उन्हां दे कार्टून बनाए जाण, जां उन्हां दा कोई जिहड़ा किसे भी तरीके दे नाल उन्हां दा कोई समांग रचे, ये किवें हो सकदा। पर कारण की है, असल कारण मैं दसना चाहवांगा कि अज जिहड़ी साडी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी है उत्थे अज महंत नारायणू दी रूह वाले अज उत्थे बैठे ने, ते जा मरिया जमीरां वाले उत्थे बैठे ने, जे जागदे जमीर वाले होंदे ते फिर गुरुआं दे खिलाफ जां इस तरह दे गुरु गोबिंद सिंह जी दा कार्टून बना के ते उह आदमी उत्थे आराम नाल बैठा रहिंदा, और इन्हां लोकां नूं आना पैंदा। और जिहड़ी मैं तां इह वी कम है अंदर वी इह गल कही आ, कमिश्नर साहब नूं वी कही है कि तुसीं मैनूं इह दसो भाई गुरु नानक पातशाह तो लै के दसे गुरु साहबान जिन्होंने एडिया वड्डिया कुर्बानियां दित्तियां ने और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई आ, अज उन्होंने चोर डाकू कातल कह के उन्होंने खिलाफ किताबां लिखिया जाण, उन्होंने कोई सज़ा ना मिलने के कारण ही इन्हां लोगों के हौसले जिहड़े वधे ने, ते जिन्ना चिर इन्हां लोगों को सख्त सज़ा नहीं दित्ती गई। मैं कहूँगा कि जदों भारत की सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने जागत जोत मान लिया, तो जे जागत जोत सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने बनया है, तो फिर कानून क्यों नहीं कि जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करे तो उन्हें फांसी क्यों नहीं गई। जिन्ना चिर यह चीज़ा नहीं होंदिया उन्ना चिर जिहड़ा रटन वाला नहीं यह सिलसिला। अमृतसर तो जसकरण सिंह की रिपोर्ट, द पब्लिक टाइम्स।